हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्सिंग। यहाँ पर एक मैच हो रहा है मैक्सिकन लीग का, एटलेस वर्सेस क्लब अमेरिका के बीच। 8:40 पे मैच खेला जाएगा सुबह, और काफ़ी बढ़िया मैच है। अगर आप स्पेशल भी नहीं जाग रहे हो और अगर आप वैसे ही इतने बजे उठते हो 8 बजे के आसपास, तो आप ये मैच खेल सकते हो। आप अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे मैच से कर सकते हो जो कि क्लब अमेरिका का है। तो बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, जो भी अपकमिंग अपडेट रहेंगी वो यहाँ पर आएंगी। कल भी कोशिश करूँगा, मतलब संडे को जब आप ये वीडियो देख रहे होगे, तो मैं रात के मैचेस देने की कोशिश करूँगा ओपन, ठीक है। तो गाइज़, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, और इस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलते हैं आगे, तो बात करें इस मैच की। देखिए भाई, एटलेस और सी क्लब अमेरिका, सब लोग जानते हैं कि क्लब अमेरिका इज़ अ डेंजरस टीम। उसको खेलने का मतलब ऐसा गेम प्ले देती है क्लब अमेरिका कि एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज़्यादा ऊपर, मतलब गोल पे गोल करती जाएगी करती जाएगी। जब लास्ट सीज़न की एंडिंग थी तो इतने गोल किए थे इन्होंने, ओहो, हर मैच में 4-5-6 गोल ऐसे। तो क्लब अमेरिका एक अच्छी टीम है और अभी थोड़ी आउट ऑफ फॉर्म है, बट जब जैसे ही इनफॉर्म आएगी तो ये बख्शने नहीं वाली। तो इसलिए क्लब अमेरिका को ब्लाइंड फेवर करो। तो बढ़ते हैं आगे, तो स्ट्राइकिंग की बात करें। देखो भाई, स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर जूलियन क्विनेंस करके एक प्लेयर है, जो कि काफ़ी हद तक अपनी टीम को एक मेंटेन करके इसने रखा है। जब हेनरी मार्टिन फॉर्म में नहीं था तो पूरी के पूरे जितने भी गोल आ रहे थे उस सब के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जिस बंदे ने दिखाया तो वो जूलियन क्विनेंस था। तो हम वो चीज़ नहीं भूल सकते इस बंदे की, तो हैट्स ऑफ है भाई इस बंदे को। इन दोनों को ज़रूर लेना। हेनरी मार्टिन लास्ट सीज़न सबसे ज़्यादा गोल करके गया था, सबसे ज़्यादा, सबसे मोस्ट, ठीक है। और एग्वर की बात करें तो ई एग्वर को यहाँ पर अगर खेलता देखते हो तो ज़रूर ले लेना। अगर नहीं खेलता, जैसे कि लास्ट मैच भी इसने नहीं खेला था, और अगर नहीं खेलता फिर आप इसकी जगह कोई अन्य स्ट्राइकर ट्राई मत करना, क्योंकि ये जो फुलगेंशियो वगैरह जो प्लेयर हैं ये कभी कभी चलते हैं, तो इनके ऊपर इतना ट्रस्ट मत करना। तो फिर सीधा आप मिडफील्डिंग में आओ। मिडफील्डिंग में इनका एक प्लेयर है जेरमी, इसको लो। जेरमी के बाद रोचा को तो आप लोगे ही, ठीक है, दोनों आपके डन हो गए। उसके बाद डी वेल्डिस, जो कि इस क्लब अमेरिका का एक प्लेयर है जो कि लास्ट सीज़न बहुत अच्छा था, तो अभी आप ट्राई करते रहें। एंड फिडाल्गो को, क्योंकि आपने जेंडिजेस को ट्राई नहीं करना। जेंडिजेस काफ़ी ज़्यादा मतलब अंडररेटेड हो चुका है, इतना अच्छा नहीं कर रहा, तो इसलिए भाई मैं इन चारों के साथ जाऊँगा। और बात करें अगर हम डिफेंडिंग की, डिफेंडिंग में लिचिनोवस्की को आज ये करवा रहे हैं फर्स्ट डिफेंडिंग, आयरियस को फोर्थ डिफेंडिंग से उठा के डाल दिया सेकेंड में। बहुत बड़ा चेंज है भाई, तो पता नहीं कल कुछ नया होगा। और रियस की जहाँ तक बात करूँ तो रियस को डाल दिया इन्होंने थर्ड डिफेंडिंग पे। भाई बहुत बड़े बड़े चेंज कर दिए इन्होंने। इन्होंने कैलरन को नीचे डाल दिया। मेरे को लग रहा है अगर इन्होंने कैलरन को खिलाया तो जीएल वाले भाई ज़रूर ले लेना। जो लोग जीएल खेलते हैं इसको ज़रूर ले लेना, कैलरन को अगर खेला तो, ठीक है। उसके बाद ऑपोजिशन टीम की बात करें तो लुजैनो को यहाँ पर ले रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन है नहीं, एक आध प्लेयर बढ़ाना है तो हमें मजबूरी में एक डिफेंडर लेना पड़ेगा। एंड क्लब अमेरिका की बात करें देन वर्गस, ठीक है। तो बात करें कैप्टन की, कैप्टन वॉज क्विनेंस, वाइस कैप्टन वॉज हेनरी मार्टिन। देन दिस इज़ माई टीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।